हेलो, वेलकम टू प्रफुल्ल गोड़कर एजुकेशनल चैनल। आज मैं ऑनलाइन लेक्चर हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी, और यह है आज का लेसन प्लान। वन, इंट्रोडक्शन, परिचय। दो, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अलग अलग भाग। तीन, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक माइक्रोस्कोप पार्ट का महत्व। चार, इंफॉर्मेशन ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस। न्यूमेरिकल अपर्चर और रिजॉल्विंग पावर लेंस के बारे में जानकारी। पांच, प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप इज बेस्ड, कौन से प्रिंसिपल पर माइक्रोस्कोप चलता है। छ, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का वर्किंग के लिए उसे कैसे तैयार करते हैं। सात, हाउ टू फोकस द ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे वो कैसे फोकस करते हैं इसकी जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। इंट्रोडक्शन, परिचय में मैं इतना कहूँगा कि क्लिनिकल लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग ये है कि इससे माइक्रोस्कोपिक थिंग यानी कि सूक्ष्म चीज देखी जा सकती है जो आँखों से देखी नहीं जा सकती, जैसे कि खून के रेड ब्लड सेल्स, लाल पेशी, अलग अलग व्हाइट सेल्स, सफ़ेद पेशी, प्लेटलेट्स, बाकी बॉडी फ्लूइड्स जैसे यूरिन, पेशाब, सीएसएफ, स्टूल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, अलग अलग पेशी वगैरह वगैरह। माइक्रोस्कोप से रोग का निदान करना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ये स्टेन की हुई स्लाइड देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे आप जब देखते हैं तभी ये तो नॉर्मल है। अभी ये स्लाइड देखिए, ये दोनों जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये सेकंड स्लाइड से ये पता चलता है कि पेशेंट को अनिमिया हुआ है। फिर ये यूरिन एग्जामिनेशन की स्लाइड देखो, इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्लाइड है। अब ये दूसरी स्लाइड देखो, इसमें काफ़ी अलग अलग पेशी दिख रहे हैं भारी संख्या में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशेंट को शायद यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब आपके ध्यान में आया माइक्रोस्कोप का महत्व, तो चलो अब जानकारी लेते हैं माइक्रोस्कोप के प्रमुख पार्ट्स का, भागों का और उनका महत्व। माइक्रोस्कोप के प्रमुख दो पार्ट्स, भाग है, एक मैकेनिकल और दूसरा ऑप्टिकल। पहले हम मैकेनिकल पार्ट पर चर्चा करते हैं। वन, फुट और बेस, यह पूरे माइक्रोस्कोप का वजन सपोर्ट करता है। टू, पिलर, यह माइक्रोस्कोप स्टेज को सपोर्ट करता है। थ्री, आर्म, आर्म से माइक्रोस्कोप उठाने में और हैंडल करने में मदद होती है। फोर, स्टेज, स्टेज पर स्पेसिमेन रख सकते हैं एग्जामिनेशन, परीक्षण करने के लिए। फाइव, इंक्लिनेशन जॉइंट एंड क्लिप्स, स्टेज का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दो क्लिप से जुड़ा रहता है, इससे माइक्रोस्कोप ऊपर और नीचे की तरफ मूव सकता है। सेवन, डायफ्राम, यह स्टेज के नीचे रहता है और बल्ब से जो लाइट प्रकाश निकलता है उसे कम और ज़्यादा इंटेंसिटी करने के लिए डायफ्राम की मदद होती है। एट, नोज पीस, यह सर्कुलर और रोटेटिंग घूमने वाला मेटल धातु का बना हुआ पार्ट जिसमें चार ऑब्जेक्टिव लेंसेस भरे होते हैं। 9, 10 and 11, बॉडी ट्यूब, फाइन एडजस्टमेंट
log and coarse adjustment log. Body tube microscope arm का ऊपरी हिस्सा होता है जो एक hollow खाली tubular structure है और body tube fine और coarse adjustment tube से ऊपर और नीचे कर सकते हैं कि जब तक specimen object अच्छी तरह से दिखे। अभी हम चर्चा करते हैं माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल पार्ट्स के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है। पहले आईपीस और ऑक्युलर लेंस। यह माइक्रोस्कोप के बॉडी ट्यूब के ऊपर होता है और आईपीस एक स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस है जिससे ऑब्जेक्ट 5 गुना या 10 गुना बड़ा दिखता है और उस पर मार्क होता है 5 और 10 का, तो उससे पता चलता है कि कितना मैग्निफिकेशन इसका बढ़ सकता है। दूसरा पार्ट है एक मिरर, परावर्ती दर्पण। यह एक बाजू में कॉनकेव मिरर है और दूसरी बाजू में प्लेन मिरर है। जब कंडेंसर यूज होता है तब प्लेन मिरर का वापर करते हैं और जब नेचुरल लाइट या बाहरी बल्ब या ट्यूबलाइट का वापर होता है तब कॉनकेव बाजू का वापर होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंसेस, बॉडी ट्यूब के नीचे 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं। एक है लो पावर ऑब्जेक्टिव जिससे ऑब्जेक्ट 10 गुना बड़ा दिखता है। फिर दूसरा है हाई पावर ऑब्जेक्टिव जिससे ऑब्जेक्ट 40 गुना बड़ा दिखता है। और तीसरा है ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव जिससे ऑब्जेक्ट 100 गुना बड़ा दिखता है। इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके लिए कहते हैं कि इसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का कंबाइंड एकत्रित वापर होता है और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आप तो जानते ही हैं, यह ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज क्रिएट करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये है कि विजिबल लाइट जब भी कंडेंसर से ऑब्जेक्ट पर फोकस केंद्रित होता है तब लो पावर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की 10 गुना बड़ी इमेज तैयार होती है। यह इमेज जब आईपीस से देखी जाती है तो वह 10 × 10 तो 100 गुना बड़ी दिखती है। यही इमेज हाई पावर ऑब्जेक्टिव से 40 × 10 यानी कि 400 गुना बड़ी और ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव से यह 100 × 10 = 1000 बड़ी दिखती है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल अपर्चर और रिजॉल्विंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। हर एक ऑब्जेक्टिव पर न्यूमेरिकल अपर्चर NA लिखा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर लोअर पावर ऑब्जेक्टिव का NA 0.30, हाई पावर का 0.65 और ऑयल इमर्शन का 1.30 जितना NA है, तो जितना भी NA ज़्यादा उसकी उस ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट दिखाने की क्षमता ज़्यादा, और ज़्यादा NA का मतलब ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है उस ऑब्जेक्टिव की। और NA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो मैंने बाजू में प्लेस किया है। और एक अच्छे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 0.25 माइक्रोमीटर तक होती है और ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर से ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छा दिखता है। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप के ऑपरेशन वापर के बारे में जानकारी दूंगा। पहले माइक्रोस्कोप एक अच्छे टेबल काउंटर आसन पर रखो जिसकी आदर्श हाइट ऊंचाई है 2 फीट और 8 इंच। फिर दिन के प्रकाश में काम करना है तो खिड़की के सामने माइक्रोस्कोप रखो और कॉनकेव लेंस से लाइट एडजस्ट करो। अगर बंद रूम में काम करना है तो ट्यूबलाइट के सामने माइक्रोस्कोप रखो और प्लेन मिरर और कंडेंसर का वापर करके लाइट एडजस्ट करो। अभी आईपीस में से देखो, एक आंख से देखो और दूसरी आंख बंद मत करना, इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, मिरर दर्पण ऐसे एडजस्ट करो
कि लाइट अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में दिख रही है। अब एक स्टेन की हुई स्लाइड ले लो और माइक्रोस्कोप के पेज के बीच में रखो, फिर क्लिप से ये फिक्स और स्थिर रखो। अभी सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करो और कंडेंसर एकदम नीचे रखो। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथ से नोज पीस एडजस्ट करो, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट के नॉब से, जब तक के ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिख पाए। अब नोटबुक में इसका वर्णन लिखो। बाद में ऑब्जेक्टिव की डिस्क घुमाकर हाई पावर का इस्तेमाल करो और कंडेंसर बीच में रखो। वापस कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट का वापर करो और जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसका नोटबुक में डिस्क्रिप्शन लिखो। और फिर आपको ऑयल इमर्शन लेंस यूज करना है और इसके वापर के लिए कंडेंसर एकदम ऊपर ले लो, डायफ्राम पूरा ओपन कर लो, फिर एक इमर्शन ऑयल का बूंद स्टेन किए हुए स्लाइड के पार्ट पर बीच में रखो, फिर ऑयल इमर्शन लेंस ऑयल ड्रॉप को टच स्पर्श करें, इतनी एकदम हल्के हाथ से नीचे एडजस्ट करो। यहाँ सावधानी रखनी है कि ज़्यादा जोर न लगे, नहीं तो स्टेन स्लाइड टूट सकती है। और फिर कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट यूज करके ऑब्जेक्ट देखो और उसका वर्णन नोटबुक में लिखो। अब मैं आपको केयर और मेंटेनेंस के बारे में जानकारी दूंगा, इसके लिए यह सब चीज़ों की ज़रूरत है। लिनन का साफ सुथरा कपड़ा, सफ़ेद एब्सॉर्बेंट पेपर, ज़ाइलिन एक और सफ़ेद साफ सुथरा कपड़ा, पेंट ब्रश, पेट्रोलियम जेली और एक अच्छा प्लास्टिक का कवर। माइक्रोस्कोप का काम खत्म होने के बाद पहले बाजू में दिखाया है वैसे लो पावर और हाई पावर ऑब्जेक्टिव को साफ करो, फिर ऑयल इमर्शन लेंस का ऑयल पहले एब्सॉर्बेंट पेपर से पोंछ लो, रिमूव करो और फिर कपड़े पर ज़ाइलिन डालकर लेंस साफ करो और दूसरे कपड़े से पोंछ लो। आईपीस का ऊपरी भाग पहले कपड़े से एब्सॉर्बेंट पेपर से साफ करो और नीचे का भाग पेंट ब्रश से साफ करो। कंडेंसर ज़ाइलिन से भीगे कपड़े से साफ करें और मिरर अल्कोहल से भीगे कपड़े से साफ करें। माइक्रोस्कोप की बॉडी साफ करने के लिए सिर्फ साफ सुथरा कपड़े का वापर करो और ज़ाइलिन या अल्कोहल का वापर बिल्कुल न करें। स्टेज साफ करने के लिए कपड़े पर थोड़ी पेट्रोलियम जेली लेकर उसके सारे साफ करें और जब माइक्रोस्कोप यूज में ना हो तब लो पावर ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्थिति में रखकर सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑफ करके एक अच्छा कवर माइक्रोस्कोप पर रखकर माइक्रोस्कोप ढककर रखें। आप अगर माइक्रोस्कोप लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हो तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप निकालकर एक सुरक्षित जगह रख सकते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के बारे में आपको उसके स्पेसिफिकेशंस मालूम होना जरूरी है, जिससे कि आप अपने माइक्रोस्कोप के सभी भागों से परिचित हो और भविष्य में ऑर्डर करने के लिए भी इसका फायदा है। तो स्पेसिफिकेशंस में इस सारे चीज़ों की मालूमत होना जरूरी है। एक, कंपनी का नाम। दो, माइक्रोस्कोप मोनोक्युलर है या बाइनोक्युलर है। तीन, आईपीस के बारे में पूरी जानकारी। चार, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूरी जानकारी। फिर पांच, ऑपरेटिंग मैनुअल का होना जरूरी है और वारंटी पीरियड भी आपको पता होना चाहिए कितने साल का है। तो इस सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मोनोक्युलर माइक्रोस्कोप से बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप बहुत महंगे होते हैं, मगर बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोपी आसान और बहुत ही अच्छी होती है।
आज हमने माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी के बारे में चर्चा की इस लेसन प्लान के मुताबिक। आपको अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए माइक्रोस्कोपी में काबू लाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपको नौकरी पाने में आसानी होगी। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोपी से जुड़े एक भी प्रैक्टिकल मिस न करें और अच्छी प्रैक्टिस करें। अब देखिए, आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन से हैं, फिर कौन से इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल पार्ट्स होते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ऑब्जेक्टिव लेंसेस के बारे में जानकारी दीजिए, फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आई लेंस, आई लेंस के फंक्शन के बारे में जानकारी दीजिए, फिर माइक्रोस्कोप के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, देन व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है और उसका महत्व क्या है, रिजॉल्विंग पावर ऑब्जेक्टिव के बारे में डिफिनेशंस दीजिए, फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज बेस्ड, माइक्रोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पर निर्भरित है उसके बारे में जानकारी दीजिए, और केयर और मेंटेनेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी के और जानकारी के लिए आप हमारे माइक्रोबायोलॉजी बुक का चैप्टर 2 और एमएलटी बुक का चैप्टर 26 पढ़िए। अगली बार मैं आपके लिए और एक ऑनलाइन लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।